नमस्कार व्यूअर्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वस्तिका परिवार की तरफ से आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये साल पिछले साल के मुकाबले आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना रहेगी स्वस्तिका परिवार की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए स्टॉक मार्केट का चेक लेते हैं। आज सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट आज आपके बंद है तो वहाँ से कोई स्पेसिफिक संकेत हमें नहीं मिल रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग निफ्टी के संकेत हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। आज जनवरी सीरीज़ की शुरुआत है और एक तारीख है तो आप सभी लोग जानते हैं ऑटो सेल्स के नंबर आ जाते हैं, तो ऑटो सेक्टर में आपको एक पॉजिटिव हलचल देखने को मिल सकती है। आगे की बात हम करते हैं तो देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, फ्लैट ओपनिंग हुई है मार्केट की। सारे सेक्टर्स आपके जो हैं वो सब पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, कोई भी सेक्टर आपका यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एज सच कोई न्यूज़ नहीं है। हम आगे देखते हैं, ये जनवरी सीरीज़ बजट से रिलेटेड है तो बजट स्पेसिफिक सारा सीरीज़ का माहौल रहेगा। इंफ्रा थीम हो गई, आपकी रूरल थीम है, फर्टिलाइजर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन थीम से रिलेटेड स्टॉक्स में आपको हलचल देखने को मिल सकती है। इंडिया का फोकस मेक इन इंडिया पे ज़्यादा है तो बजट में आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। ग्लोबल चेक की बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में आप जानते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। सो कौन सी कंपनी सबसे पहले आपको वैक्सीन प्रोवाइड करेगी उसके नाम पर मोहर लगने की तैयारी रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ताज़ा जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो फाइज़र की वैक्सीन को WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सो ये अभी आज का लाइव मार्केट अपडेट है। आगे के मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, स्वस्तिका परिवार के साथ आप लोग जुड़े रहें, MP लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।